अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईफोन 7 पासवर्ड बाईपास किस तरीके से करते हैं सिम वाला वो बताने वाला हूँ। बाकी सारी डिटेल मैंने समझा दी है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से हो सकता है। तो शुरू करते हैं। तो ये मेरा टूल है, यहाँ से हम चलते हैं एप्पल के ऊपर। एप्पल के ऊपर जाने के बाद जो है हमने अपने जो ड्राइवर है उसको कर लेंगे इंस्टॉल और अपनी डिवाइस जो है उसको ले जाएंगे फोन DFU के अंदर। फोन DFU के अंदर डिवाइस को लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप फोन DFU के अंदर डिवाइस को नहीं लेके जाते तो आपकी डिवाइस जो है वो बूट नहीं होगी। तो ड्राइवर जब इंस्टॉल होंगे उसके बाद हम अपनी डिवाइस को करवाएंगे बूट। बूट करवाने के बाद जो है बैकअप ले लेंगे और डिवाइस को आप फ्लैश करने के बाद जो है सेम बूट करवाएं और बूट करवाने के बाद रिस्टोर कर दें। इस वीडियो के अंदर जस्ट मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा। तो डिवाइस जो है इसको फोन DFU के अंदर लेके चलते हैं और उसके बाद हम करते हैं बूट के ऊपर क्लिक। कि हमने बूट रैम डिस्क 1 पर क्लिक किया है तो डिवाइस हमारी बूट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं डिवाइस जो है वो बूट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जैसे ही 100% डन होगी उसके बाद हम जो है अपना बैकअप ले लेंगे, पासपोर्ट का बैकअप ले लेंगे, फ्लैश करेंगे। फिर सेम इसी तरीके से हम डिवाइस को जब फ्लैश करके हेलो स्क्रीन पे आ जाएगी DFU के अंदर जो है उसको फोन DFU करेंगे और कनेक्ट करके डिवाइस को बूट करवा देंगे। जब हमारी डिवाइस बूट हो जाएगी, बूट के बाद जो है हम सिंपल जो है अपनी डिवाइस जो है उसका रिस्टोर करेंगे। तो सेटअप के बाद हमारी डिवाइस ऑटोमेटिकली जो है वो होम पेज के ऊपर हम उसको सेटअप करके ले जाएंगे और सिम डालेंगे तो सिम भी आपकी वर्क करेगी। तो ये देखिए डन हो चुका है। इसके बाद जो है हम बैकअप कर लेते हैं। प्रोसेस सेम है, अभी हम बैकअप कर रहे हैं फिर हम रिस्टोर करेंगे बस, और आपका जो बाईपास है वो कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे ये देखें बैकअप डन हो गया तो इसी तरीके से आपका रिस्टोर भी डन हो जाएगा। तो ये डन हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।